Assalamualaikum, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस ज़फर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी यहाँ पे अच्छे हैं। तो हमारा ब्लॉग बहुत ही लेट आ रहा है बिकॉज क्योंकि सिलो की काफी तबीयत खराब हो गई थी, हेल्थ इशू हो गई थी बहुत ज्यादा, मेरी बहुत ही तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण हम लोग कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे, सिर्फ हॉस्पिटल वगैरह में ही बिजी थे क्योंकि सिलो एडमिट थी कम से कम। तो मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मतलब मुझे क्या हो गया था, मैं अचानक से तबीयत खराब हो गया कैसे, सब पूछ रहे थे कि आपको क्या हो गया, कैसे इतने ब्लॉग नहीं आ रहा है, आपकी तबीयत कैसी है, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो सारे सवालों के जवाब मैं इस ब्लॉग पे देने वाली हूँ। सभी हमारे YouTube फैमिली बार बार मैसेज कर रहे थे कि क्या हो गया, क्या हो गया। पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, बिकॉज आप लोगों ने मेरे लिए इतना प्रेयर किया कि आप जल्दी ठीक हो जाओगी। आपके मैसेज देख के ही मुझे इतना अच्छा लगता था कि आप सब ने मेरे लिए बहुत ही दुआ किया। ये सब आप लोग की दुआ की वजह से है और सभी ने मेरा बहुत ही ज्यादा केयर किया। मुझे इतना चहकने वाली लड़की एकदम शांत हो गई थी, इस वजह से हमारी ब्लॉग नहीं आ रही थी, खराब हो गई थी, सूरज तो डर ही गए थे, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, एकदम एडमिट करना पड़ा था 15-16 दिन। मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। दिवाली के दिन मैं थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का मेरे पेट पे पेन था, तो मैं सोची से नॉर्मल है तो ध्यान नहीं दी। उसके बाद फिर 2-4 दिन के बाद मुझे रात में इतनी ज़्यादा पेट दर्द हुआ, इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं रात भर सोई ही नहीं, और कुछ भी खाती थी तो वॉमिटिंग हो जाता था, पानी, यहाँ तक कि पानी भी पी रही थी तो भी वॉमिटिंग हो जा रहा था। रात भर मैं पेन कुछ भी नहीं पच रहा था, हाँ मतलब पानी खाना कुछ भी मेरे को सब उल्टी हो जा रहा था, उल्टी, और पेट में काफी दर्द भी था बहुत ज्यादा। फिर सडनली सोनू जी मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मॉर्निंग में मेरे भाई को कॉल किए कि इतना तबियत खराब है, भाई आया, फिर हम हॉस्पिटल वगैरह गए। मतलब मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने सिलू को सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले गया था रायगढ़ के। इन लोग सभी मतलब घर वाले भी मेरे साथ दिए और सोनू जी भी मेरे साथ कंटिन्यू वही था, मैं तो रात दिन वही रहता था, तो फिर वही रहते थे साथ में, फिर वहाँ जाके फिर डॉक्टर के पास गई और हमारे साथ मम्मी पापा भी रहते थे, सभी लोगों ने साथ दिया बहुत, तब जाके आज मैं, और आप लोग भी सब दुआ किए सब, तब जाके आज मैं इतनी माशाल्लाह मैं स्वस्थ हूँ, फिर से चहकने लगी। और सडनली मेरी तबियत बहुत खराब हुई, फिर मुझे इन लोगों ने हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, तो वहाँ ऐसा था हालत, मेरा हालत ऐसा था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी पूरी, मतलब जो भी उल्टी वगैरह से इतना ज्यादा वॉमिट वगैरह हुआ मेरा और पेट में दर्द इतना था कि फिर तुरंत हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। वहाँ डॉक्टर लोग इमरजेंसी मतलब मेरा मतलब ऐसा हो गया था कि इमरजेंसी टाइप मतलब मैं हो गई थी। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे एडमिट वगैरह ले ली, क्योंकि हालत ही मेरा ऐसा था कि दवाई से ठीक होता नहीं, देख के ही मुझे एडमिट ले लिए। फिर एडमिट करने के बाद आगे सोनू जी बताए, बहुत ज्यादा सिलू का मतलब एकदम ज्यादा तबियत खराब था, मुझे एडमिट वगैरह किए, पेट में बहुत पेन था, बॉटल वगैरह इतने बॉटल वगैरह चढ़ने लगे, जो लड़की सुई से इतना डरती थी उसके दोनों हाथ में कैनुला लगा पानी चढ़ने वाला, मतलब और मुझे ड्रिप, और हाँ, प्लस नाक में पाइप लगा, सुई तो बहुत ज्यादा मुझे लगने लगा, मतलब डर भी खत्म हो गया। तो एडमिट करने के बाद मेरे सारे टेस्ट हुए, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी और एक्सरे, स्नॉर करने के लिए डॉक्टर ने सारे टेस्ट वगैरह किए। टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि मेरे पेट में इन्फेक्शन हो चुका है बहुत ही ज़्यादा, और वो सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं बाहर का बहुत ही ज़्यादा खाती पीती थी, चाउमीन मोमोस के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था। तो अब मुझे टोटली बाहर का जो खाना होता है और यानी कि जंक फूड वगैरह होता है सब कुछ बंद है, ओनली नॉर्मल डाइट जो जैसे कि घर का खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब, और जैसे कि लेस कुरकुरे होता है, ये सारा चीज़ जो बाहर का जंक फूड होता है सारा बंद, यहाँ तक कि मसालेदार वाला खाना, ऑयली फूड सब कुछ बंद है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल खाना खाना है। तो यही सब मुझे डॉक्टर ने बताया, फिर चेकअप वगैरह मेरा हुआ, तो कम से कम मैं 9 डेज तक भर्ती थी वहाँ हॉस्पिटल में, एडमिट थी, बॉटल वगैरह ही सिर्फ चढ़ रहा था, उससे मुझे एनर्जी वगैरह मिल रही थी, बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी यहाँ, वैसे भी मैं वीक हूँ, पतली हूँ, मेरा 3 kg वेट और कम हो गया, मतलब पतली पे और पतली हो गई मैं, है ना सोनू जी, बताइए। तो 3 kg मेरा वेट ऐसे ही कम हो गया, देख सकते हो मैं कितनी सूख गई हूँ, लेकिन पहले जैसे चहकने लगी इसी में माशाल्लाह। अब माशाल्लाह मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगी, डाइट भी मैं वैसे ही लूंगी जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया है, उससे गाइस ये तो अब छोटी सी अपडेट थी मेरी कि मैं कहाँ हूँ। बहुत सारे मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे इतने मैसेज कर रहे थे, इंस्टा पे भी मैसेज आ रहा था और ऐसे भी बहुत मैसेज कर रहे थे कि आप कहाँ हो, ब्लॉग डालो।
तो मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी जिस कारण हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे। माशाल्लाह से अब मैं अच्छी हूँ, तो अब हमारे डेली ब्लॉग आएंगे। और ये छोटी सी अपडेट थी ब्लॉग देने ब्लॉग का, इसलिए आज सिर्फ थोड़ा सा लंबा बातचीत ही मैंने किया है, कुछ दिखाया नहीं है। सो नेक्स्ट ब्लॉग हमारा डेली ब्लॉग वाला आएगा, अगले ब्लॉग से हम डेली ब्लॉगिंग करेंगे। और आज थोड़ी सी अपडेट देनी थी आपको, इसलिए हम आ गए। अब नेक्स्ट डे से प्यारी प्यारी ब्लॉग आना चालू हो जाएगी, क्योंकि हमारी सिलू एकदम स्वस्थ हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग की दुआओं से, और आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहिए कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, हम दोनों हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, साथ रहें। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हमें प्यारे प्यारे ब्लेसिंग देते हैं। तो चलिए गाइस, फिर आज का ब्लॉग को यहाँ पेंट करते हैं। और आपको पता चल गया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था और ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। अब नेक्स्ट ब्लॉग हमारा डेली ब्लॉग का रहेगा। आज छोटी सी अपडेट थी, तो अगर आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।